Hello friends, welcome back to my channel, myself Lisha. Today I'm going to share with you very very tasty yummy delicious recipe guys, जो कि MP and Rajasthan दोनों में different तरीके से खाई जाती है, जो कि है गक्कड़ भरता। तो चलिए देखते हैं किस तरह ये recipe मैं बनाती हूँ बिल्कुल देसी स्टाइल में एक स्मोकी फ्लेवर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर लूँ आपसे कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। सो फ्रेंड्स, हम दाल बाटी एंड गक्कड़ भरता एक बाटी से दो रेसिपीज रेडी करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फ्रेंड्स, फर्स्टली हम इस तरीके का बाटी ओवन ले लेंगे। तो बाटी ओवन के अंदर मैंने इस तरीके से आप देख सकते हैं बैंगन ले लिए हैं। तो ये ब्लैक कलर के बैंगन है, तो इसका भरता बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो इसके अंदर मैंने आप देख सकते हैं फोक की मदद से थोड़े थोड़े छेद कर लिए ताकि अंदर से बैंगन बहुत अच्छे से पक जाए। तो ये एक बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर मिल जाएगा, जैसे देसी स्टाइल में बनते हैं बैंगन भरता उसी तरह का एक फ्लेवर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास ये बाटी ओवन नहीं है तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि किस तरह आप इसे रिप्लेस करके वैसा ही सेम फ्लेवर ला सकते हैं। तो अब इसे इस तरीके से टर्न करते हुए हम इवन कुकिंग कर लेंगे, इवनली उसे अच्छे से बेक होने देंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो चुका है। इसी तरह छिलके सहित हमने प्याज एंड आलू को भी इसी तरह हम बेक कर लेंगे हमारे बाटी ओवन में, ताकि बहुत ही अच्छा एक देसी स्टाइल स्मोकी फ्लेवर मिल सके। तो चलिए इसे भी अच्छे से हम ब्राउन कर लेते हैं। इसलिए मैंने कुछ टमाटर एंड ग्रीन चिलीज भी ले लिए हैं। आप चाहे तो इसके अंदर लहसुन भी डाल सकते हैं एंड इसे भी अच्छे से हम बेक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपके पास बाटी ओवन नहीं है तो आप इस तरीके का स्टैंड आपके पास तो होगा ही, आई थिंक हर किसी के घर पे अवेलेबल होता है। तो आप इसे डायरेक्टली इस तरीके से गैस के ऊपर रख के आपके बैगन को या आपकी बाटी को, इवन आपके सारे वेजिटेबल्स को इसी तरह स्मोकी फ्लेवर दे सकते हैं। तो इफ़ यू डोंट हैव बाटी ओवन, नॉट टू वरी एट ऑल, आप इस तरीके का स्टैंड यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें भी सेम फ्लेवर या सेम टेस्ट आ सकता है। सो आप भी डेफिनेटली ट्राई करिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, ये टमाटर आप देख सकते हैं अच्छे से इवनली कुक हो चुके हैं एंड स्मोकी फ्लेवर भी आ चुका है। तो इसे बहुत केयरफुली निकालें क्योंकि बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड इसी तरह हम ग्रीन चिलीज को भी निकाल लेंगे। आप चाहे तो लहसुन भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं गैप ज़्यादा है तो वो गिर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्टली हमारी बाटी की तैयारी करते हैं। तो बाटी के लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 कप्स व्हीट फ्लावर यानी गेहूँ का आटा, 2 कप्स बेसन एंड 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर तेल लिया है एंड सॉल्ट टू टेस्ट एंड थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाला है। सो फ्रेंड्स, अब इसको अच्छे से हम मसल के अच्छे से सारा जो ऑयल है ये फ्लास्क के अंदर मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से हाथों से मसल के हम इस पहले इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देन फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो सिर्फ आप इसे आटे से भी बना सकते हैं, बट आटे से कई बार क्या होता है सॉफ्ट नहीं बनती है बाटी, बहुत ज़्यादा कड़क होती है, हार्ड होती है। तो इसीलिए अगर आप थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा टेस्ट भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आपकी बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड टेस्टी भी बनेगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सी, ये बहुत अच्छे से मिक्स चुका है। तो अब इसके अंदर मैं ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करती जाऊंगी एंड एक अच्छा, बहुत सॉफ्ट नहीं एंड बहुत ज्यादा काढ़ा नहीं, अच्छा एक सॉफ्ट डो रेडी कर लूंगी। सो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से आप देख सकते हैं मैंने नीट कर लिया है एंड यू कैन सी हमारा डो नियर अबाउट रेडी है। तो इसी तरह आपको थोड़ी देर और इसी तरह इसको नीट करते जाना है ताकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए एंड हमारी बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने। तो चलिए इसे और थोड़ी देर हम इसी तरह नीट कर लेते हैं एंड हियर इट इज़ गाइज, यू कैन सी द सॉफ्टनेस। तो इस तरह आपको ये डो को रेडी करना है, एक अच्छा सॉफ्ट डो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। नेक्स्टली आप इस तरीके से डो को डिवाइड कर लें एंड राउंड शेप्स दे दें एंड बीच में आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा होल करते जा रही हूँ। तो इस तरह आप बाटी को अच्छे से रेडी कर लें। हियर इट इज़, तो सारी बाटीज इसी तरह हम रेडी कर लेंगे एंड हमारी जो रेडी हुई बाटी को इसी तरह हम हमारे जो बाटी ओवन है उसमें प्लेस कर लेंगे। तो जैसे मैंने कहा, आपके पास बाटी ओवन नहीं है तो आप नॉर्मल स्टैंड को गैस के ऊपर रख के भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास अपे पैन है तो उसमें भी अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फ्रेंड्स, इसी तरह मैंने सारी प्लेस कर दी हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा इसमें ऑयल ग्रीस कर सकते हैं, बट एज इट इज़ अगर आप इसे बेक करते हैं बहुत ही अच्छा एक स्मोकी फ्लेवर आता है। तो चलिए इसे इस तरह हम इवनली अच्छे से पलट पलट के कुक कर लेते हैं। नाउ फ्रेंड्स, यू कैन सी बहुत अच्छे से ये क्रिस्प होते जा रहे हैं एंड हम इसे टर्न करते हुए अच्छे सा एक गोल्डन ब्राउन कलर कर लेंगे।
सो फ्रेंड्स, रेडी हुई बाटी को इस तरह हम आप देख सकते हैं हाथों की मदद से थोड़ा सा हम दबाते जाएंगे ताकि थोड़े से क्रैक्स आ सकें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है जो कि है घी, तो घी के साथ ये बाटी हम सर्व करने वाले हैं, तो इसके अंदर घी अच्छे से जाए इसीलिए हम इस तरीके से थोड़ा सा दबाते जाएंगे ताकि क्रैक्स हों और वो क्रैक्स के अंदर तक घी चला जाए, ताकि ये बाटी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। सो फ्रेंड्स, अब इस तरीके के हम ऊपर घी अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो बाटी इसको घी के अंदर डिप करके भी रख सकते हैं ताकि अंदर तक घी चला जाए एंड बाटीज हमारी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने, बट हम इस तरीके से बना रहे हैं, आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इवनली हम घी को स्प्रेड कर लेंगे एंड देन फिर इस अच्छे से शेक करके मिक्स कर लेंगे। Here it is guys, ये बहुत अच्छे से शेक कर लिया हमने थोड़ी देर एंड यू कैन सी द शाइन, बहुत अच्छी एक शाइन आ चुकी है। तो ये हमारी बाटीज इस तरीके से आप रेडी कर सकते हैं, आप चाहे तो घी के अंदर इसे डिप करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब भरता रेडी करते हैं। फ्रेंड्स, हम आज दो तरीके के भरते बनाने वाले हैं, एक कच्चा भरता एंड बघारा भरता। गाइस, तो कच्चे भरते एंड बघारे भरते के लिए ये हमारे बैंगन को अच्छे से हमने पील कर लिया है, इसी तरह आलू को भी आप देख सकते हैं पील कर लिया है एंड हमारे अनियंस को भी अच्छे से हमने स्किन निकाल ली है। तो ये हमारे वेजिटेबल्स को एंड इवन हमारे टमाटर को भी हमने स्किन पील कर ली है। तो इस तरीके से वेजिटेबल्स अच्छे से पील हो चुके हैं, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ क्वांटिटी ऑफ बैंगन एक अलग बर्तन में निकाल लिया है एंड इसे आप देख सकते हैं मैंने थोड़े दो आलू एंड एक टमाटर एंड एक प्याज डाल के अच्छे से इसमें मिर्ची डाल के मैश कर रही हूँ। इस तरह आपको अच्छे से मैश कर लेना है सारे वेजीज को। अब नेक्स्टली मैं एक पेस्ट रेडी कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ग्राइंडर में ले लिए कोरिएंडर लीव्स, अच्छे से मैंने वॉश करके लिए हैं। अब नेक्स्टली ग्रीन चिलीज मैंने दो लिए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब नेक्स्टली इसके अंदर हम कुछ कलियाँ लहसुन की डाल लेंगे एंड लास्टली इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी थोड़ी सी और लहसुन की कलियाँ एंड नेक्स्टली मैं इसके अंदर करी लीव्स ऐड कर लूँगी, ये ऑप्शनल है। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं एंड हियर इट इज़ गाइज, ये हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे भी हम मिक्स कर लेंगे हमारे कच्चे भरते के अंदर एंड बहुत अच्छा एक टेस्ट मिल जाएगा हमारे भरते को। सो फ्रेंड्स, मैंने ऐड कर लिया है इसके अंदर एंड नेक्स्टली इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट टू टेस्ट भी डाल दिया था। तो ये हमारा कच्चा भरता रेडी हो चुका है, यू कैन सी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है गाइज, ट्रस्ट मी, आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। तो देसी स्टाइल में इस तरीके से कच्चे भरते ही बनाए जाते हैं, बट चलिए अब इसके हम बघारा भरता भी बनाते हैं। तो बघारा भरता के लिए हमने एक पैन ले लिया है और उसमें ऐड कर लिया है ऑयल, तो गर्म होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑयल गरम हो चुका है, तो अब नेक्स्टली इसके अंदर ऐड कर लिए मैंने मस्टर्ड सीड्स, दैट इज़ राई, राई को अच्छे से हम स्प्रिंकल होने देंगे एंड नेक्स्टली अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे गार्लिक, जिसे मैंने रफली चॉप करके रखा है, आप चाहे तो क्रश करके भी डाल सकते हैं पेस्ट बना के, बट मैंने इसी तरह डाला है। तो इसे अच्छे से हम बिल्कुल ब्राउन होने तक इसे इसी तरह स्टर फ्राई कर लेंगे। तो गाइज, क्योंकि देसी स्टाइल में कच्चा भरता ही बनाया जाता है, बट मैं इसे सर्व करने वाली हूँ बघारा भरते के साथ भी, तो आप दोनों में से कोई भी भरता बना सकते हैं या चाहे तो दोनों तरीके से बना के आप सर्व कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे लहसुन बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए हैं, तो अब नेक्स्टली इसके अंदर मैं रफली चॉप्ड अनियंस डाल दूँगी एंड थोड़े से करी लीव्स एंड हरी मिर्ची भी ऐड कर लूँगी। सो ये करी लीव्स मैंने ऐड कर लिए फर्स्टली एंड नेक्स्टली अब इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी अनियंस एंड हरी मिर्ची। सो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड इसे भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसी तरह स्टर फ्राई कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, हियर इट इज़, हमारे जो अनियन से बहुत अच्छे से इसने कलर चेंज कर लिया है, तो नेक्स्टली मैंने इसमें अंदर ऐड कर लिया है सॉल्ट टू टेस्ट। तो आप देख सकते हैं इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड साथ ही साथ मैंने नेक्स्टली आप देख सकते हैं जो बैंगन हमने रखे हुए थे जिसे हमने बेक किए थे, वो अनियंस, प्याज एंड टमाटर सबको अच्छे से मैंने यहाँ पर मैश कर लिया है। तो थोड़ा सा हमने कच्चे भरते में यूज़ किया था एंड थोड़ा सा रख लिया था हाफ प्रोपोर्शन जो हम यूज़ करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया है एंड इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड इसे थोड़ी
देर हम इसी तरह स्टर करते हुए थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। ये रेसिपी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है गाइज। ये MP में ये गक्कड़ भरता की तरह सर्व की जाती है एंड राजस्थान में इसे दाल बाटी दैट इज़ दाल के साथ सर्व की जाती है। तो आज हम दोनों रेसिपीज़ बनाने वाले हैं। बाटी सेम होती है दोनों में, बस दाल एंड ये जो भरता है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो चलिए हम इसे अच्छे से इसी तरह स्टर थोड़ी देर करते हुए इसे पका लेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वेजेस बहुत अच्छे से ये स्टर फ्राई हो चुके हैं। तो नेक्स्टली अब इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो फर्स्टली हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड किया है। नेक्स्टली हम ऐड करेंगे रेड चिली, थोड़ी सी ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज भी डाली हुई हैं। अब नेक्स्टली हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि अच्छा फ्लेवर दे देता है हमारे भर्ती को। अब नेक्स्टली इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा पाउडर एंड इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे एंड बहुत अच्छा एक कलर भी मिल जाएगा, साथ ही साथ हमारे भर्ती को बहुत अच्छा फ्लेवर भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। एंड यू कैन सी बहुत अच्छा एक कलर मिल चुका है हमारे भर्ते को एंड ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हम थोड़ी देर के लिए मसालों को भी इसी तरह स्टोर करते हुए अच्छे से पका लेंगे। अब नेक्स्टली आपने देखा मैंने कुछ टमाटोज रफली चॉप्ड बीच में रख दिए हैं, थोड़ा सा मैंने जगह बनाई है बीच में एंड बीच में टमाटोज के रख दिए एंड अब इसे हम ढक के इसी तरह पकने देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं हमारे टोमेटोज जो हमने रखे थे वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। तो बस ये रेडी है, इसे इसी तरह आप अच्छे से गर्मा गर्म सर्व करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है। तो चलिए ये हमारी रेसिपी तो रेडी हो चुकी है, इसे गार्निशिंग कर लेते हैं। तो गार्निश करेंगे हम फ्रेशली चॉप्ड अच्छे से वॉश किए हुए कोरिएंडर लीव से। तो आप डेफिनेटली ये रेसिपी ट्राई करिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा ईजी है एंड यू कैन सी गार्निशिंग के बाद हमारा भरता कितना ज़्यादा यमी लग रहा है। तो इसी तरह हमारे जो कच्चा भरता था उसके ऊपर भी हम हमारी कोरिएंडर लीव्स रफली चॉप्ड ऐड कर लेंगे फॉर गार्निशिंग। तो ये हमारे दोनों तरीके से भरते रेडी हैं, कच्चा एंड बघारा। तो चलिए अब असेंबल कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सो फ्रेंड्स, हियर इट इज़ गाइज, हमारी जो गक्कड़ भरता है वो रेडी हो चुकी है एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस है गाइज। आपको डेफिनेटली मुंह में पानी आ रहा होगा, तो आप भी ये रेसिपी ट्राई ज़रूर करना। बाटी ओवन नहीं है तो मैंने जैसे कहा आप स्टैंड की मदद से भी कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी देसी स्टाइल गक्कड़ भरता तो रेडी हो चुका है। तो चलिए मैं इन्जॉय करती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की रेसिपीज़ देखने के लिए आप डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देगा एंड इफ़ आपको पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर तो आप करेंगे ही। जिसे मैंने सर्व कर लिया है दाल के साथ, तो ये हो गया दाल बाटी, राजस्थानी दाल बाटी एंड नेक्स्टली गक्कड़ भरता। तो एक बाटी से दो रेसिपीज रेडी हो चुकी है। बाय।